आज का हमारा टॉपिक है डाइस। डाइस दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्डाइज और एक होता है जनरलाइज। स्टैंडर्डाइज जो हम गेम्स खेलने के लिए यूज करते हैं, जैसे आपकी लूडो वगैरह खेलते हो ना, उसमें जो डाइस, जो आपकी सांप सीढ़ी खेलते हो कि नहीं, उसमें यूज करने के लिए जो डाइस यूज होता है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज की ऑपोजिट साइज निकालने के लिए, ऐसा क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, उसकी ऑपोजिट साइज निकालने के लिए आपको बोला जाता है। उसकी साइज निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, कि ऑपोजिट साइड का सम क्या होता है, 7। जैसे 6 हमारी एक साइड है तो 1 उसकी ऑपोजिट साइड होगी। अगर एक 4 है तो उसकी ऑपोजिट साइड 3 होगी, और अगर 2 है तो उसकी ऑपोजिट साइड 5 होगी। वेरी गुड। और नेक्स्ट है हमारा जनरल। जनरल की एडजेसेंट साइड्स का सम जो होता है 7 होता है। इनकी ऑपोजिट साइड्स निकालने के लिए पहले एक कॉमन वाला देखिए, इन दोनों में कॉमन कौन सा है, दिस वन 2। अब इसको क्लॉकवाइज में घुमाइए, इसको क्लॉकवाइज में, इसके नंबर जो कॉमन है पहले वो लिख लीजिए 2 2। अब नेक्स्ट इसका नंबर है 3 एंड 4। क्लॉकवाइज में इसके नंबर लिख लीजिए, दूसरे वाले के लिखिए 2 5 एंड 6। अब हमारा 3 का ऑपोजिट साइड होगी 5, 4 की ऑपोजिट साइड होगी 6। अब 2 की हमें नहीं पता है, जो नंबर हमारा रह गया हुआ है वही हमारी 2 की ऑपोजिट साइड होगी। थैंक यू।